अब बात छत्तीसगढ़ के गरियाबंद की करेंगे। यहाँ स्कूलों में बच्चे धीमा जहर पीने को मजबूर हैं। फ्लोराइड युक्त पानी उन्हें डेंटल फ्लोरोसिस का शिकार बना रहा है, गंभीर बीमारियों की ओर ढकेल रहा है। प्रशासन को खबर है, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर किस बात के लिए इतना इंतजार किया जा रहा है, क्यों मासूमों की जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। गरियाबंद में फ्लोराइड युक्त पानी का कहर, स्कूलों में बच्चे क्यों पी रहे धीमा जहर, बच्चे हो रहे बीमार, क्या कर रहे जिम्मेदार, ये पानी बना रहा डेंटल फ्लोरोसिस का शिकार। गरियाबंद के देवभोग ब्लॉक के स्कूलों में ये बच्चे कतार लगाकर पानी पीने नहीं जा रहे, बल्कि धीमा जहर पीने जा रहे हैं। ये मासूम हैं, इन्हें नहीं पता कि ये पानी इन्हें धीरे धीरे बीमार कर रहा है, डेंटल फ्लोरोसिस का शिकार बना रहा है और गंभीर बीमारियों की ओर धकेल रहा है, क्योंकि देवभोग ब्लॉक के करीब 40 स्कूलों के पानी में फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा है, जो दांतों और हड्डियों के लिए खतरनाक है। ये बात जिम्मेदार भी जानते हैं, मानते भी हैं, समझते भी हैं, लेकिन करते कुछ नहीं। देवभोग विकास खंड में 40 ऐसे स्कूल थे जहां पे फ्लोराइड और आयरन की मात्रा काफी ज्यादा थी और साल भर पहले करोड़ों रुपए खर्च करके वहां रिमूवल प्लांट लगाए गए थे, लेकिन रिमूवल प्लांट की देखरेख नहीं है और बंद पड़ गया है। कहीं पे विवाद के कारण ताला लटका है तो कहीं मशीनरी प्रॉब्लम के कारण। नज़ारा देख सकते हैं कि इस तरह ये जो छात्राएं हैं अभी मध्याह्न भोजन खाएंगे, ये बच्चे अभी खाली डब्बा पकड़ी हुई है और यहीं से ही पानी ले जाएगी। बेटा कहाँ से पानी भरोगे आप बताओगे? कल से भरोगे। अमूमन जितने भी छात्राएँ हैं, सबके छात्र छात्राएँ जो मौजूद हैं, सारे लोगों के दांत में प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम है फ्लोराइड के कारण। इस जहरीले पानी का असर इन मासूमों पर दिखने लगा है, बच्चों के दांत पीले पड़ने लगे हैं, धब्बे उभरने लगे हैं और ये स्थिति एक स्कूल की नहीं लगभग 40 स्कूलों की है, जहां दर्ज बच्चों की संख्या का 60% यानी 2500 से ज्यादा बच्चे डेंटल फ्लोरोसिस नाम की बीमारी का शिकार हो रहे हैं। इसके बारे में जो इसको लगाया था उसको भी फोन के माध्यम से 4-5 बार बोला गया, उसके बाद लिखित बोला तो लिखित शिकायत भी उसको दिया गया और उसके बाद अभी से 1 महीने पहले फिर इसको बोला गया था कि देखिए बोल के, वो बोलता है कि इसको PHE विभाग को दे दिया गया है, अब इसकी जानकारी हमको नहीं है और इसका मरम्मत भी हम नहीं करेंगे। बच्चों को गंभीर बीमारियों की ओर ढकेलने के लिए कुदरत तो जिम्मेदार है ही, प्रशासन भी उतना ही कसूरवार है। 2016 में ही पता चल गया था कि ये पानी बच्चों के लिए ठीक नहीं है, इसके लिए हर स्कूल में फ्लोराइड रिमूवल प्लांट भी लगवाए गए। क्या है फ्लोराइड रिमूवल प्लांट ये भी जान लीजिए। 2016 में चिरायु दल ने बच्चों की जांच की, जांच में 1500 बच्चों के दांत पीले मिले, पानी की जांच में 40 गांव का पानी खराब मिला, पानी में फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा मिली, 40 स्कूलों में फ्लोराइड रिमूवल प्लांट लगाए गए, करीब 15 लाख रुपए एक प्लांट पर खर्च हुए, 60 करोड़ की लागत से प्लांट लगाए गए। प्लांट लगा दिए गए लेकिन फिर ना तो ठेकेदारों ने उन्हें पलट कर देखा, ना ही PHE विभाग ने कोई कदम उठाया। नतीजा ये रहा कि 1-2 महीने बाद ही सभी प्लांट बंद हो गए। गाड़ाघाट का फ्लोराइड रिमूवल प्लांट है, प्लांट का पूरा सेटअप एक छोटे से कमरे में बना हुआ है, 5 से 5.5 लाख लागत का ये सेटअप था, जिसमें 2000 लीटर का फाइनल टैंक बनाया गया है। ये रॉ मटेरियल है, पहले पानी का फर्स्ट पानी यहाँ पे इकट्ठा होता है, जिसके बाद यहाँ से आने के बाद सीधा फिल्टर प्लांट फिल्टर होते हुए ये फाइनल जो रॉ फाइनल स्टोरेज वाटर यहाँ पे आता है। लेकिन अब क्या हुआ है कि लगाने के करीब 1 महीने बाद ही ये फाइनल स्टोरेज जो सिस्टम है, जो फिल्टर सिस्टम है, वो बंद हो गया। बंद होने के बाद बगैर प्लाक बगैर फिल्टर किए पानी इसमें जाता है, जिसका उपयोग बच्चे करते हैं। बच्चे बिना फिल्टर किया हुआ पानी पीने को मजबूर हैं। हालांकि अब अधिकारी जल्द ही प्लांट शुरू करवाने की बात कह रहे हैं। अभी लगभग सभी जगह मेंटेनेंस की जरूरत है, क्योंकि करीब करीब 3 साल 3.5 साल हो गए इनको उसको लगा हुआ, तो अभी भी पता चला है कार्यपालन अभियंता ऑफिस से कि उसका वर्क ऑर्डर हो गया है, और वर्क ऑर्डर हो गया तो जाहिर है काम बहुत जल्दी से जल्दी चालू करेंगे और सबको ठीक करेंगे। उम्मीद है जल्द ही ये प्लांट चालू होंगे। ये बच्चों की जिंदगी का सवाल है, क्योंकि ये बीमारी सामान्य नहीं है, ये लाइलाज बीमारी है, जिसका शिकार मासूम अनजाने में हो रहे हैं, और ज्यादा दिन तक इस पानी का इस्तेमाल किया तो कोई गंभीर बीमारियों की चपेट में भी बच्चे आ सकते हैं। फ्लोराइड कब होता है खतरनाक, ये भी जान लीजिए। पानी में 0.7 मिलीग्राम प्रति लीटर फ्लोराइड की जरूरत है,
ज्यादा होने पर गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। डेंटल फ्लोरोसिस, स्केलेटल, गाठिया, हड्डियां और मांसपेशियों को नुकसान होता है। जोड़ों में दर्द, घुटनों में सूजन और क्रोनिकल डिजीज भी हो सकती है। ऐसा है कि यहाँ जनरली फ्लोरीन की मात्रा है वो बहुत ज़्यादा है, जितना नॉर्मल रहना चाहिए उसके कंपैरिजन में डबल ट्रिपल है। अगर ये आगे बढ़ता रहा तो बच्चों को डेंटल फ्लोरोसिस तो हो ही सकता है, उसके साथ साथ समय के साथ बोन फ्लोरोसिस भी हो सकता है। अब आप समझ गए होंगे कि मासूम किस खतरे की इज्जत में है। उन्हें नहीं पता कि वो बीमारियों के किस दलदल में फंसते जा रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार तो सब जानते हैं। इसी फ्लोराइड युक्त पानी से सुपेबेड़ा में कई लोगों की जिंदगी चली गई। तो फिर सबक क्यों नहीं लिया जा रहा? क्यों बच्चों को गंभीर बीमारियों का शिकार बनाया जा रहा है? क्यों उन्हें धीमा जहर पीने पर मजबूर किया जा रहा है? लगा देने के बाद मेंटेनेंस की जवाबदारी भी ठेकेदार की और विभाग की, लेकिन उनके अंधेरी के कारण आज भी छात्र फ्लोराइड युक्त पानी पीने को मजबूर है। कैमरामैन गिरीश जगत के साथ पुरुषोत्तम पाल विस्तार में गरियाबंद।